ये जाली से इसको कवर करेंगे सीडीआई को, ताकि चूहा जो है सो सीडीआई तक ना काट के इधर काटे तो कोई दिक्कत ना हो और जोड़ने में परेशानी ना हो। अगर इधर काटे तो कोई समस्या नहीं, जुड़ जाता, मगर यहाँ बड़ा समस्या होता फ्रेंड। इसे करने में हमको 2-4 घंटे लग गए। जिक्सर बाइक के हाल को मैं दिखाता हूँ, चूहों ने क्या किया है इसके। बिल्कुल सॉकेट को इसके जड़ से काटा है, ये देख सकते हैं कि बड़ी समस्या है इसमें जिक्सर में। इसको बिल्कुल सटा के इसको चूहे ने काट दिया है, तो इस तरीके से हम बाहर कर लेंगे इसे। इसे दबाएंगे, यहाँ एक लॉक होता है देख सकते हैं, तो दबाया बाहर, और एक और सॉकेट है जो इसमें लगता है ये वाला, तो इसे भी हम यहाँ से हटा लेंगे। और अभी इसे किस तरीके से करना है तो वीडियो में बने रहे, मैं दिखाने वाला हूँ कि यही कटे हुए सॉकेट को किस तरीके से रिपेयर करके हमें लगाना है, क्योंकि जल्दी मिलता नहीं है कभी कभी वायरिंग, और ख़ास करके यामाहा की गाड़ियों का सामान बहुत मार्केट में समस्याओं से झेलना होता है हमें, तो इसे ही अभी रिपेयर करके दिखाएंगे हम। अंकल हाइब्रिड के मदद से सबसे पहले इस कट को हटाएंगे, तभी ये वायर निकलेगा। तो इसे कट लगा लेते हैं हम चारों तरफ से, इसे चारों तरफ से हमें कट करना है, इसे चारों साइड से हमें कट करना होगा, तभी वायर निकलेगा, क्योंकि वायर बिल्कुल सटा के चूहों ने काटा है। और जिक्सर बाइक की बड़ी समस्या, क्योंकि इसका सीढ़िया बिल्कुल सीट के नीचे ही दे दिया गया है, पीछे लॉक के पास, सीट लॉक के पास ही, तो इसे नहीं कट करना है। इसको जब हम दबाते हैं देख सकते हैं कि तब ये बाहर होता है, तो इसे हम सिर्फ छोड़ देंगे लॉक को, बाकी हिस्से को काटेंगे। साइड साइड से इसे हमने कट कर दिया है, ये वीडियो को ज़रूर देखें। इसके जो चूहों ने कट बार बार यहाँ करता है सीडीआई पे, तो इसके परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे हम, यहाँ एक अलग यूनिक सा काम करेंगे, ताकि यहाँ चूहे ना आ पाए और काटे भी तो ना कटे, तो ऐसा जुगाड़ हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी देखेंगे तभी समझ में आएगा कि इस तरीके से हमने उसे किया। सबसे पहले हमें इसे चारों तरफ से कट कर लेना है वायर को निकालने के लिए। एक एक करके हमें इस तरीके से लेना होगा ऊपर फ्रंट, इस तरीके से हमें सभी को निकाल लेना है देख सकते हैं। बड़ा लफड़ा वाला काम लगता है ये, एक करके हमें इसे करना होगा। ये सॉकेट सीधा है, सीधा में है, किस तरीके से लगेगा देख सकते हैं कलर। ये ऐसे जाएगा, दिख गया कलर।
जिक्सर वाला सीडीआई का दूसरा सॉकेट, एक काला सीधा में नीचे और एक एक ब्लू में पीला है ये वाला, और ये पूरा ब्लू है ये वाला लास्ट वाला। काट लिया गया इसको और इसमें आप सोल्डिंग को करा देंगे सोल्डिंग वाले दुकान में, तो फटाफट इसे कराते हैं और इसे फिट करते हैं। वायर को ले लिया हमने कट करके, सभी वायर को सोल्डिंग कर दिया गया देख सकते हैं, इसमें करा दिया गया और फिर इसमें भी। जब तक वायरिंग आ नहीं जाता हमें इसे काम चलाना है, और इस पाइप को इस वायर के अंदर हम सभी को डाल देंगे। वायर में सभी वायर में हमें इस तरीके से ताकि वायर एक दूसरे में टच ना करें। बिल्कुल नीचे चढ़ की तरफ दबा देंगे इसे और फिर हम इसमें रेसिप बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, क्या करेंगे दूसरे सॉकेट में सेम इस तरीके से इसमें भी हम लगा लेंगे पाइप को। डिजिटल पाइप में बड़ी समस्या जिनके पास भी है सबका यही हाल है। इसे लगा दिया गया और अब हम कलर बाय कलर जोड़ेंगे, इसी का भी जुगाड़ करेंगे ताकि जो है वायर को कट ना कर पाए। कलर बाय कलर जोड़ के स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको। सभी वायर को कलर बाय कलर जोड़ दिया गया है और अभी करंट को चेक कराते हैं, आपको दिखाते हैं करंट आ रहा है कि नहीं। तो आएंगे इस तरफ प्लग वायर की तरफ और चाबी को ऑन कर दिया हमने और किक को लगा। जी एक मिनट देख ना रहा, रुक मैं दिखा दूं। ये करंट आ रहा है देख सकते हैं आप लोग, इतना बड़ा प्रॉब्लम जिक्सर में आता है। और चूहों को जो काटने का रीज़न है देख सकते हैं कि जो यहाँ सीडिया दे दिया गया है इसी जगह पे इस तरीके से रहता है। फ्रेंड मैं दिखा दूँ, ये इस जगह पे इस तरीके से होता है। अगर इस तरीके से रहेगा और खुले में आएगा चूहा तो काटेगा ही, और अदर गाड़ियों में टैंक के नीचे या इस साइड में पैनल में इस तरीके से होता है, मगर इसे बिल्कुल खुले में इसे रख दिया गया, चूहे आते हैं और इसे खा के चले जाते हैं। पूरा देख सकते हैं कि कितने मेहनत से हमने इसे बनाया है एक एक करके, और इसे अभी टैपिंग करते हैं और फिर स्टार्ट करके फिर दिखाते हैं। और इसका भी जुगाड़ अभी करने वाले हम लोग, तो ये जाली से इसको कवर करेंगे सीडीआई को, ताकि चूहा जो है सो सीडीआई तक ना काट के इधर काटे तो कोई दिक्कत ना हो और जोड़ने में परेशानी ना हो। अगर इधर काटे तो कोई समस्या नहीं जुड़ जाता, मगर यहाँ बड़ा समस्या होता फ्रेंड। इसे करने में हमको 2-4 घंटे लग गए और करते हैं फटाफट टैपिंग इसे। अगर ये इस जाली को ही हम सीडीआई में इस तरीके से रखेंगे ताकि ये सेफ्टी रहे, जब भी वायर काटे तो इधर काटे। और अभी इसी का जुगाड़ करेंगे तरीके से मोड़ के, और फिर यहाँ हम इसे मोड़ के ये कर देंगे, बांध देंगे इस जगह पे, और इस जगह पे पीछे भी हमने इस तरीके से मोड़ के और इस तरीके से सीडीआई को रख देंगे, ताकि जब भी काटे चूहा तो बाहर की तरफ काटे, इस तरफ अगर इस तरफ काटेगा तो हमें जोड़ने में भी सुविधा होगी। तो इस तरीके से हम करेंगे इसे। कैसे अब इधर भी करेंगे इस तरीके से, यहाँ
दबा देंगे खुद ब खुद। ये जो हमने जाली लिया है वो बालू छानने के लिए जो यूज किया जाता है हमारे तरफ, उसी को हमने लिया है ये जाली को। अब क्या है, ये हमारा सीढ़िया सेफ्टी हो गया। अब जिक्सर में सीढ़िया नो टचिंग, बिल्कुल टच नहीं करने वाला यहाँ पे चूहा, और दूध भागेगा। अब हमें जोड़ने में भी सुविधा होगी, अगर हम जोड़ेंगे इसे, अगर यहाँ भी काट देगा तो इसे आराम से इसे हटा के फिर हम इसे जोड़ देंगे। इसी तरीके से हमें ठीक करना है, ये भी देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देख सकते हैं कि इसमें हमारा कितना मेहनत लगा कंप्लीट करने में। अब इसका बार बार चूहों को काटने का बीमारी ही दूर हो गया इसका। देख सकते हैं बैग स्टार्ट हो चुकी फ्रेंड।